हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ द मोस्ट पॉपुलर वाइट सॉस पास्ता। इसे बनाना काफ़ी इजी है और खाने में ये काफ़ी लाजवाब लगता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने दो प्याज लिया जिसे मैंने काट लिया रफली, बारीक कटे हुए गाजर, बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ कैप्सिकम और कुछ रेड चिली। आप चाहे तो अदरक भी इसमें ऐड कर सकते हैं और स्वीट कॉर्न, मेरे पास अवेलेबल नहीं इसलिए मैंने ऐड नहीं करा। यहाँ मैंने मसाले में लिया है एक चम्मच ऑर्गेनो और आधा चम्मच क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर। यहाँ हमने एक कटोरी तेल लिया है और ये मैंने मैक्रोनी ले लिया है 100 ग्राम। यहाँ हमने 1.5 चम्मच मैदा ले लिया है और यहाँ 2 चम्मच बटर ले लिया है। जितना मैदा उससे थोड़ा सा ज़्यादा बटर लेना है, आप लोगों को ध्यान रखिएगा इस बात का। और 1 कप गुनगुना दूध ले लेना है। हमें पानी ले लिया है जिसे हमें बॉइल करना है। इसमें बॉइल आ गया है, अब हमें अपना मसाले डाल देना है, इसमें ऐसे चला लेना है। अब यहीं पे हमें आधा चम्मच सॉल्ट डालना है और 1 चम्मच ऑयल डालना है ताकि मैक्रोनी आपस में चिपके नहीं। अब हमें इसे पकाने तक वेट करना है। ये हमारा मैक्रोनी यानी पास्ता बॉयल हो गया, इसे ज़्यादा कुक नहीं करना था, थोड़ा ही कुक करना था। ये देखिए, अब हम इसके मेकिंग प्रोसेस में चलते हैं। सबसे पहले हमें कढ़ाई ले लेना है और अब इसे गर्म करते हैं। ये हमारा कढ़ाई गर्म हो गया, अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालते हैं जो हमने ले लिया था पहले ही, अब इसे गर्म कर लेते हैं। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें सबसे पहले अपना गार्लिक डालेंगे। ऐसे चला लेंगे। ये हमारा गार्लिक थोड़ा पक गया है, अब इसी टाइम हम ये गाजर, कैप्सिकम और प्याज तीनों को डाल देंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब यहीं पे हम एकदम 1 पिंच नमक डालेंगे, इसको सॉटे कर लेंगे थोड़े देर के लिए। इन वेजेस को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस अब हम इसे यहीं पे निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हो मैंने वेजेस निकाल लिया फ्राई करके, बस आपने भी इतना ही फ्राई करना है इसे हल्का सा। अब हमें इस कढ़ाई में बटर डालना है 2 चम्मच। बटर हमारा मेल्ट हो गया, अब यहीं पे हम 1.5 चम्मच मैदा डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। इसे 2 मिनट तक अच्छे से भूनना है। मैदा जितना अच्छा से भुनेगा हमारा वाइट सॉस पास्ता उतना ही बेहतर बनकर तैयार होगा। यहाँ 2 मिनट हो गए हैं, अब हमारा ये मैदा अच्छे से फ्राई हो गया, अब यहाँ पे हमें दूध डालना है। चला लेना है, आप फ्लेम को कम कर देना है। इसे 2 से 3 मिनट और पकाना है, ये काफ़ी जल्दी पक कर रेडी हो जाता है। ये आप देख सकते हो हमारे साथ बिल्कुल तैयार है, क्योंकि ये कढ़ाई में ट्रांसपेरेंट नहीं उतर रहा है इसीलिए रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे अपना पास्ता डालेंगे। अब यहीं पे हमारा पास्ता जाएगा जो हमने फ्राई करके बॉइल करके रखा हुआ था। फिर चलेंगे यहीं पे वेजीज जाएंगे जिसे हमने फ्राई किया हुआ था। याद रखिएगा सॉल्ट हमने पहले ही डाल दिया था इसमें। अब गैस को बंद कर लेना है।
यहीं पे ये ब्लैक पेपर और ऑर्गेनो डाल देना और इसे मिला देना। तो आप देख सकते हो हमारा व्हाइट सॉस पास्ता बिल्कुल रेडी है और ये काफ़ी क्रीमी बनकर तैयार हुआ है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी हो गया है और ये काफ़ी देखने में डिलीशियस लग रहा है। आप इसे ज़रूर से ज़रूर अपने घर पे बनाएं और मुझे बताएं ये कैसा लगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत 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 थैंक यू एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब 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 शेयर करें। इसे आप घर पे बनाइए, ट्राई कीजिए और खाइए। देखिए ये कितना चीज़ी बना है, सो यम्मी। आप बिल्कुल इसी तरह से बनाइए और ट्राई कीजिए। थैंक यू एवरीवन।